नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। लास्ट मंथ जनवरी मंथ में आपको मैंने जो है एक वीडियो अपडेट करी थी लेक्चर्स की पोस्टों के ऊपर, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से कंडक्ट करवाई जाती हैं। मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट मंथ है, मीन्स कि जो ये वाला मंथ है, फेब मंथ है, उसमें आपको जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू जो लेक्चर की पोस्ट हैं उनकी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये बिल्कुल सही अपडेट थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से काफ़ी टाइम से जो लेक्चर्स की पोस्टें हैं उनका डाटा जो उनको मिला था, बट जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रूल अपडेट किए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डाटा सेंड नहीं किया था। तो ये आईटीआई की रिपोर्ट से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 10/1/2023 की है। बट हम अभी की बात करें तो अभी कोई भी लेफ्ट जो पेंडिंग डाटा है वो कमीशन को नहीं बचा है, मीन्स कि ओल्ड डाटा जो अभी कमीशन को भेज दिए गए हैं। तो चांसेस अभी लेक्चर स्कूल की जो पोस्टें हैं उनके ज़्यादा हैं। हम पोस्टों की बात करें तो लगभग 471 पोस्टें जो वो लेक्चर कैडर की जो वो भरी जा सकती हैं। किन किन सब्जेक्ट्स की पोस्टें आ सकती हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा डाटा यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड है, जिसमें आप इंग्लिश में देखें कि 52, हिंदी में 84, मैथमेटिक्स में 31, फिजिक्स में 34, केमिस्ट्री में 25, बायोलॉजी में 05, हिस्ट्री में 84, कॉमर्स में 73, इकोनॉमिक्स में 7 और पॉलिटिकल साइंस में जो 76 पोस्टें आने के चांसेस जो यहां पर हैं। ये जो एक्सपेक्टेड डाटा है ये पहले भी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आ चुका है और अभी भी जो है इन्हीं पोस्टों के आने के चांसेस जो यहां पर हैं। बाकी जो ऑफिशियली अपडेट होगी उसमें सारी बातें क्लियर होंगी। तो आई होप आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।